लास्ट सेगमेंट में हमने देखा था कि तीन जो बेसिक वेक्टर्स हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उनको कैसे इवैल्यूएट करना है एंड वी विल सी हाउ टू यूज़ देम। नाउ इन दिस सेगमेंट हम क्या देखेंगे कि और कुछ जो स्पेशल वेक्टर्स हैं बट विच आर ऑल्सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विच विल हेल्प अस इन सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। तो उस सीरीज़ में जो सबसे पहले आता है वो है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। सो देर इज अ पॉइंट in space and there is a force and you have to find out the moment of that force about that point। and jab bhi hum moment bolte hain to basically kya hota hai ki ye modne wali cheez hai, matlab kitna wo force effort deta hai to twist it, tedha karne ke liye, okay। so that's what the physical meaning is of the thing, how much is the ट्विस्टिंग एफर्ट, मोड़ने का कितना जोर लगता है। और वी विल ट्राई टू फिगर आउट हाँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है हमको। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। इनफैक्ट मैं इसको नंबर 4 बोल सकता हूँ क्योंकि पहले हमारे पास 3 थे, राइट, यूनिट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड दिस इज द फोर्थ वन, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। And we will denote this as a m is a vector about a point p। उसको calculate करने के लिए let's see कि हम सोचो कि हमारे पास एक plane है, ऐसा कोई, okay, sorry। yeah, अब इस plane पे लेट्स सी कि यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, जिसके अबाउट, दिस इज द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब उसी प्लेन पे कोई और एक फोर्स है, या लेट्स से हियर, अब इस फोर्स का मोमेंट निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। इसका मतलब है कि कितना ट्विस्टिंग एफर्ट देता है ये फोर्स। अब हम सबको पता है फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड्स नॉलेज दैट दिस इज नथिंग बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो स्ट्रेंथ है इस ट्विस्टिंग का, इट विल बी नथिंग बट हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। सो दिस इज़ डी, अगर ये डी है डिस्टेंस, तो एफ का मैग्नीट्यूड टाइम्स डी इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट पी। बढ़िया है, बट देन क्या ये इनफ है टू कैलकुलेट ऑलवेज एवरीथिंग? आंसर येस भी है और नो भी। थियोरेटिकली येस, यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस मच नॉलेज, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इवैल्यूएट करने में ये डिस्टेंस बहुत मुश्किल होता है। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वेक्टर कैलकुलेशंस टू कैलकुलेट दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, अगर याद होगा टू हाउ टू कैलकुलेट, बिकॉज सी इट कुड बी इन एनी ओरिएंटेशन इन 3D स्पेस, राइट। मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो तो इजीली मैंने बोल दिया कि एक प्लेन है और उस पर एक पॉइंट है और एक फोर्स है, ऐसे शुरू कर दिया। लेकिन एक्चुअल केस में तो क्या हो सकता है कि कोई पॉइंट ऐसे रैंडमली स्पेस में हो, मैं ऐसे एक सोचो कि ऐसा कोई एक्सिस है, पॉइंट ऐसे कहीं पे है और फोर्स भी ऐसा ही कहीं पे है दूसरी जगह पे, मतलब लेट्स से ऐसा कहीं फोर्स है। सो ये पॉइंट को, अच्छा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहीं है, ओके, ऑन द एक्स वाई,
प्लेन, तो इस पॉइंट का जो है हमको निकालना है अबाउट दिस पॉइंट इस फोर्स का मोमेंट। तो अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन 3D यू हैव टू नाउ कैलकुलेट। सो दैट्स ए वेरी नॉट इम्पॉसिबल, मीन इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट। सो दैट्स व्हाई आई सेड आंसर इज येस एंड नो। सो इफ यू कैन कैलकुलेट दैट इट्स फाइन, बट देन वी शुड सी ए मच बेटर फॉर्मूला विच इज मोर जनरल देन दिस। ओके, फाइनली इट विल बॉयल डाउन टू दिस ओनली, बट देर इज ए पावरफुल टूल और फॉर्मूला विच यू शुड ऑलवेज यूज टू कैलकुलेट द मोमेंट, एंड दैट इज द फॉर्म दैट। ओके, आई डू वन थिंग, आई फर्स्ट शो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा, अब ये फोर्स जो है ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी रहे ये मोमेंट तो उतना ही आने वाला है ना, क्योंकि कैसे अब कहीं से भी इसको खींचे, मतलब इस लाइन पे, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही है और ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। हम कहीं पे भी इस जगह पे रहें, इस लाइन ऑफ एक्शन पे रहें, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसलिए मोमेंट तो सेम ही आएगा। और लेकिन इस चीज़ को यूज़ करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि वी शुड टेक ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पी टू एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन एंड लेट्स कॉल दैट आर। ओके, तो अब देखो कि क्या होता है, मैं अगर बोलूं कि m अबाउट p इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू r क्रॉस्ड विथ p f। ओके, एम पी विल बी इक्वल टू r क्रॉस्ड विथ f, और ये r क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट p टू एनी पॉइंट, आई एम एम्फसाइजिंग दैट थिंग। ओके, मैं उस पर जोर दे रहा हूँ कि ये पॉइंट मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। क्यों, देखते हैं। अब सोचो, पहले देखते हैं कि ये काम क्यों करता है, कि लेट्स सी दिस, ये जो r है, आई कैन शो इट हियर ऑल्सो, आई कैन ड्रॉ दिस हियर, ट्रांसमिट कर सकता हूँ। लेट दिस एंगल बी नाउ से आल्फा, सो ये क्या आएगा इफ आई कैलकुलेट दिस, सो दिस विल बी नथिंग बट r mod times f mod times sin of alpha, but sin of alpha jo hai, if this angle is beta which is nothing but 180 minus alpha, this will also be equal to r times f mod times sin of beta, but sin of beta kya hai, matlab ये जो r टाइम्स साइन ऑफ बीटा ये क्या है, इज इट नॉट द डिस्टेंस d? सो यहीं से आता है कि f mod टाइम्स d। ओके, सो ये और ये सेम है, लेकिन इससे हमको एक पावर मिलता है कि इस पॉइंट को हम कहीं पे भी ले सकते थे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे भी ले सकता था उसको, आई कुड हैव कॉल्ड इट आर टू से। ओके, और सेम चीज़ में करता, आर टू क्रॉस विथ द फोर्स एफ वुड हैव गिवन मी वही सेम मोमेंट, क्योंकि आर टू साइन ऑफ दिस एंगल अगेन मुझे वही डी तो देता, कुछ चेंज नहीं होता। मैं यहाँ पे भी ले सकता था, मैं यहाँ पे भी ले सकता था, कहीं पे भी ले सकता था आर। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते के टाइम क्या होता है कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है वो किसी एक अजीब से जगह पे रह सकता है, और जो मोमेंट लेने का पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है अबाउट विच वी आर ट्राइंग टू टेक द मोमेंट, वो भी फिक्स होगा कहीं पर।
डिपेंडिंग ऑन आवर इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट. अब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैलकुलेट करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फोर्स का, वहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैलकुलेट करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है. लेकिन ऐसा भी होता है कि उस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई पॉइंट हो जहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना बहुत ईजी है. तो क्या करना है हमको कि हमको उस पॉइंट तक का ले लेना है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड आर क्रॉस एफ कर देना है. तो ये जो अननेसेसरी जॉब है, अदरवाइज हम तो ये कर ही सकते थे. अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें 3D में, जो कि करा जा सकता है, तो कैसे भी कर सकते थे. मतलब इवैल्यूएशन करना कोई इम्पॉसिबल तो है नहीं. हम चाहते हैं कि इजीली कैसे इवैल्यूएट हो जाए. तो उसके लिए वी शुड लुक फॉर ए कन्वीनियंट पॉइंट जो इजीली हमको बता पाए कि इस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ से, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इजीली कैसे मिल सकता है. तो उसमें दो चीज़ें देखने होती हैं कि फोर्स, ये पॉइंट जो पिक कर रहे हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ पे होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और वो इजी हो टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो ये दो पॉइंट नोट करके अगर यूज़ करा जाए दिस फॉर्मूला तो इट विल बी मच मच ईजियर. वन मोर पॉइंट, जब इसको यूज़ करते हैं ना तो ये खाली मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन देता ही नहीं है. डायरेक्शन के लिए हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो प्लेन आएगा उससे परपेंडिकुलर होगा, ये है ना. मीन्स द मोमेंट विच विल कम विल बी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू दिस. ओके, लेकिन हमको ये इमेजिन फिर करना पड़ेगा. लेकिन इस कैलकुलेशन से वो इनहेरेंटली आ ही जाता है, मतलब वो इनबिल्ट है उस इक्वेशन में. इसीलिए ये जो फॉर्म है आर क्रॉस एफ टू कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पी ऑफ द फोर्स एफ, वो बहुत ही पावरफुल है. इसीलिए इसको हमेशा, मतलब वैसे ये भी देखना होता है कि अगर ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कहीं पे हो जा रहा है तो नो नीड टू यूज़ दिस. सो दैट इज़ वेयर यू हैव टू यूज़ यू नो तुम्हारा खुद का इंजीनियरिंग का जो सेंस है, आपको यूज़ करना है कि कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कहाँ पे इसको यूज़ करना है. अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये इजीली पता नहीं चल रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आना है, और ऑब्वियस अगर ये है यूज़ करना तो इसी को यूज़ कर सकते हैं. तो दिस वॉज अबाउट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट. और इसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस.